दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्टोराइजन। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप कोरल ड्रॉ में मैटर बनाना चाहते हैं तो इस पे सेटिंग किस तरह किया जाएगा, तो इस वीडियो में आपके द्वारा बहुत ही आसान तरीके बताया जाएगा। दोस्तों क्या करना है कि आपको आना है कोरल ड्रॉ में, आपको ओपन करना है कोरल ड्रॉ। आपको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं, इसके आपको आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ओपन होने के बाद आप दोस्तों आप पेज सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको न्यू पेज लेनी है, ठीक है। न्यू पेज कहाँ से लेंगे तो उसको बता दें कि यहाँ पर आप हमारे रजिस्टर पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फाइल दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आप फिर ठीक देख सकते हैं, यहाँ पर फाइल दिया हुआ है। फाइल पर जाकर यहाँ पर न्यू जो देखते हैं कंट्रोल प्लस एन से आप शॉर्टकट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आप जो मैटर बना रहे हैं, जैसे कि आप शादी कार्ड का मैटर बना रहे हैं तो आप शादी कार्ड का मैटर भी लिख सकते हैं, शादी कार्ड का मैटर भी लिख सकते हैं। या आप कैश मेमो बनाना चाहते हैं, कैश मेमो आप कैश मेमो लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जो मैटर बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि कस्टम कस्टम में आपको यहाँ सेम रह देना है, ठीक है। कस्टम में कोई अच्छा अच्छा नहीं करना है। उसके बाद आपको लीगल यहाँ पर साइज देख सकते हैं कि यहाँ पर लीगल दिया हुआ है, लीगल। अब मान लीजिए आप किस मोमो बना रहे हैं, ठीक है, आपको ऑफसेट प्रिंट करना है तो उसके लिए मास्टर पेपर की ज़रूरत होती है, तो आप लीगल लगा सकते हैं। या आप ट्रेसिंग बनाकर आप अपने से छपाई करना चाहते हैं, या कोई प्रिंटर आपके पास है तो आप बनाकर उस प्रिंटर द्वारा आप A4 पेपर पर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको A4 कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखना है कि कितना सेंटीमीटर है या कितना इंच है, तो आपको यहाँ पर सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे इंच लगा देते हैं, यहाँ पर आपको इंच देखने में मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो जो पेज है वाइड में चाहिए या हाइट में चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पेज कितना चाहिए, 2, 3, 4 जितना बनाना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से बढ़ सकता है, नीचे से आप क्लिक करने पर कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कलर मोड, यहाँ पर कलर मोड आपको क्या करना है कि RBC और CMYK, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा आप संपूर्ण कलर, आप जिस टाइप का कलर आप जिस कलर में आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए RGB आपको सही रहेगा, क्योंकि आपको कलर डिस्टर्ब को आपको मैच करके दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर DPI देख सकते हैं, यहाँ पर DPI तो आपको मैक्सिमम 300 रख देनी है, यहाँ पर नॉर्मल आपको रख देना है, ठीक है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ सेटिंग आपको बना लेनी है, उसके बाद आपको ओपन कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लंबा हो गया है, आप इसे चौड़ा करना चाहते हैं चौड़ा भी हो सकता है, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे सेटिंग है, आप पेज को प्लॉट भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पलटिंग यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको कोरल ड्रॉ में आपको पेज सेटिंग को बताया जा रहा है। दोस्तों आप ही घर बैठे आप भी खुद से आप आसानी से कोरल ड्रॉ पर मैटर बनाना सीख सकते हैं, उसके पहले पेज सेटिंग करना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो पेज 1 है, आप पेज 2 लेना है, 3 लेना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो रहा मैं आपको बता देते हैं, यहाँ पर रेड कलर लगा कर यहाँ पर आपको नज़र पड़े। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज 1 है, तो यहाँ पर आप 2, 3, 4 लेना चाहते हैं, समझ लीजिए कि आप एक मैटर यहाँ पर बना दिए हैं, दूसरा और कस्टमर का मैटर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप पेज जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो पेज यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। आप पेज 1, 2 आप यानी सेव कर सकते हैं, ये आपका सेव रह जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 3 भी कर सकते, 3 भी पेज हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी, जितना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों।